हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी बज गए हैं सुबह के 10 और चिंकी की तबीयत 2 दिन से ख़राब चल रही। आज उसको लेकर जाएंगे आईज स्पेशलिस्ट के पास में, मैं और गुड्डू के पापा, और साथ में पापा जी जाएंगे बुढ़ाने तक हमारे साथ में। इनका रूट दूसरा है, रुक नहीं रहे बिल्कुल भी। इतने दिनों में आए, कितने दिनों में आए होंगे? 2 साल में आए होंगे? 3 साल में। उसकी नंदनी का पहला जन्मदिन था, बताओ। 3 साल में आए कैसे? पापा आया नहीं 6 महीने में, 5 महीने में तो चक्कर लगाना चाह अपनी बेटी के घर। बीमार हुए थे, नंदनी का पहला जन्मदिन था, जब रह गए थे 5-4 दिन जबरदस्ती, और चाचा जी को देखने के लिए आए थे। चाचा जी ठीक है बेटा। चिंकी तैयार है, अभी ये चाय पी रहे और घर के काम काज, कपड़े बहुत है, कपड़े कुछ कल को धुजन कुछ आ जाएंगे, मशीन में कुछ गेरू कुछ हाथ। ये तो सारे जोन से आए, ये हाथ तक धुजेंगे। हाँ, तो नाश्ता पानी सबका हो गया। चलो भाई अपना सामान उठा लो बेटा। चला चिंकी, कहाँ है पानी की बोतल? चिंकी नू कह रही इसे जरूर ले लियो, मैं बैठ कर खेल तो लूंगी। देखियो मुझे चाची जी एक पानी की बोतल दे दो। कल भी मैंने रास्ते में लेकर उसमें गाड़ी के उसमें रखा था जेब में, अंदर एक बोतल रखी थी ऐसा सा वाली। जा, ये भी इसका ही है ना चिंकी। देखो ये चश्मा सुन लगाओ ना सर, क्या नाम है आपका? चश्मा लगाइए ना सर। मेरा नाम मानीपाल है, मैं चश्मा लगाऊंगी। आज कैब अंदर नहीं बुलाई क्योंकि फिर यहाँ से निकलने में दिक्कत हो जाता है, और सामने से ना कुछ ना कुछ साधन आ ही जा। चलो चिंकी बाबू आ जाओ इधर, लो पावर बैंक। चलो चिंकी बेटा बोतल रख ली पानी की, नन्ना जी को बाय कर दो। बाय। उतर ली थे नन्ना जी तो देखा नहीं तो मैं जल्दी में है पूरे कुर्ती लो रे। तो पापा जी के तो यहाँ बस स्टॉप पे उतार दिया हमने, वे जाएंगे शामली और हमें जाना मुजफ्फरनगर। चिंकी अब कैसा फील कर रही तू, जहाँ दवाई दी थी? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, अच्छे। अब तू विंडो सीट पे बैठ गई है। सही कह रही है। चिंकी डॉक्टर को क्या बतावेंगे हैं? मगर उसके सिर में दर्द हो है, और वो कहेंगे दिखाइयो, अभी कुछ है नहीं सिर में दर्द। अभी सुबह तो दवाई दी थी, देखा नहीं पट्टी रख रखी थी, बहुत गर्म पट्टी हो जाए, ना बुखार है ना कुछ है, तो पहले तो आई साइड का ही वो करवाओगे टेस्ट इसका। तो चिंकी का अपॉइंटमेंट तो है पहले ही भाई, करवा रखा हमने सुबह से ही, और ले जाके से दिखानी। तो जैसे कि सजेस्ट किया था बहुत सारे लोगों ने कि भाई आंखों के जो डॉक्टर हैं उन्हें दिखाओ, हो सकता है कि उसकी वजह से कुछ दिक्कत हो, क्योंकि यहाँ पे दर्द हुआ है इसके बहुत तेज, और दवाई से दे दें पेन किलर तो ठीक, और नहीं तो फिर शुरू हो जाए। मेरी आंखों में अपने आप ही पानी आ गया, जब सिर में दर्द हो है बेचैन नहीं हो जाए, और आंखों में पानी भी चल रहा है इसके, एकदम बेचैन हो जाए तो भाई। और मुझे ठंड भी नहीं लगती, फिर भी मेरा पूरा शरीर काम कर। और जब तुझे स्कूल में चक्कर आ गए थे तब भी ऐसा ही हुआ था? हाँ जी ऐसा ही हुआ था, मैम ने बीपी चेक करा था वो तो ठीक था, उन्होंने गरम नमक चीनी का गरम पानी में नमक चीनी डाल के घोल पिया था और दवाई दी थी। तो भाई परसों से ऐसा प्रॉब्लम, ये स्कूल में गिर भी गई थी छुट्टी के टाइम से थोड़ा सा पहले ही। जब तक दवाई का असर रहे जब तक तो ये ठीक रहे, और फिर दवाई का असर खत्म होते ही 7-8 घंटे बाद फिर इसके बेचैन नहीं हो जाए। मम्मी सिर में दर्द हो रहा, और देखो जब तक बच्चे जो है ठीक ठाक नहीं होते ना, तो माँ बाप का मन जो है खुश नहीं रहता ना, उसका काम करने कुछ भी मन करता। तो चिंकी के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा, आज स्कूल में किसी ने नहीं जान दिया, सब ने मना कर दी कि आज डॉक्टर के दिखा कर लाओ, सबसे पहला काम ये है। स्कूल देखो कल मुझे मना कर रहे थे पापा, अनिल पापा की तू यहीं पर रख, अभी तेरा प्रॉब्लम हो जाए। तो वैसे तुझे पढ़ाई वढ़ाई की तो कोई टेंशन नहीं है? बिल्कुल नहीं, पढ़ाई की क्या टेंशन हो है किसी को, और क्या परेशानी है? किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कोई बात तो नहीं हुई? हिम्मत नहीं है किसी की, मेरे तो बैठ जा। जब हम पहुंच गए बाईपास मुजफ्फरनगर, बस थोड़ी दूर है यहाँ से, मुजफ्फरनगर का बाईपास ही होगा ये है। चलो तो देख चिंकी पहला कैसा था अब चेंज हो गया यहाँ। चिंकी के बहुत सारे सवाल हो, घर से बाहर निकलते ही कह रही पापा जी मुजफ्फरनगर कितना बड़ा है। इसके याद नहीं जब वहाँ जा रहे वृंदावन 2014 में, तब हर चीज को ये कुछ छक रहे थे, जब तो ये 1 साल की थी। पापा जी उठा है जेसीबी 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 देख कर देखो।
चिंकू को थोड़े बहुत रास्तों का पता और मुझे पता नहीं, अभी हॉस्पिटल देख रहे कहाँ है जिसमें हमें से दिखाना। और नु कह रही मैं आई पहले भी यहाँ आई चिंकी तू यहाँ नु कह रही मौसा जी की टूटी है इस रास्ते पे। हम कहीं पे जा रहे थे, मौसा जी ने हमें एंजल चार तक की टेबल दी थी काम करने की वाली, तो वहाँ जा रहे थे ना गृह प्रवेश में। हाँ बादराबाद याद है तुझे। अगर तुमने इन्हें पहचान लिया तो तेरा कोई नंबर नहीं है, और नहीं पहचाने तो फिर चश्मे का नंबर है। नंबर टेस्ट करने वाला चश्मा लगा रखा तो एकदम तो इसके मौसा जी आगे इसके बड़ी तो इसके वर्ड जो है मिसमैच हो गए थे। अच्छा गलत भी आध घंटे का इंतजार करना, एक भी वर्ड गलत बोल देना चिंकी चश्मा चढ़ा के भेज जाए। चिंकी की आंखों की जांच तो हो गई, आंख तो इसकी बिल्कुल फिट है चिंकी तेरी है। तीन दिन बाद तो कहा, लेकिन दर्द तो सर में है, ये भी तो दिखाना पड़ेगा। इन्होंने सजेस्ट कर दिया कि भाई फिजिशियन को दिखाओ है? तो अब दिखाएंगे भाई फिजिशियन को। यहाँ पे आई टेस्ट तो इसके हो गए, और जो प्रॉब्लम सोच रहे थे कि भाई आंखों की वो तो है नहीं, नेत्र चिकित्सालय का काम तो हो गया पूरा चिंकी। है? सब लोग हमें सजेस्ट कर रहे थे ना कि आंखों की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आई साइड तो इसकी बिल्कुल फिट है। तो गाइस अभी मेरा हो गया बहुत तेज सिर में दर्द, और अभी मैं दूसरे डॉक्टर के यहाँ पे जा रही हूँ, और मैं आके बैठ गई क्योंकि पापा जी है मौसा जी के साथ, मौसा जी की ड्यूटी पास नहीं है तो वे भी हमारे साथ आए हुए हैं। मैं बैठ गया आगे, और आगे का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। जब मैं कल भाभी को लेन गई थी ना तो आगे ही बैठ के गई थी सीट बेल्ट लगा के। पापा और मौसा जी इंसान के भीतर नहीं निकल सकते हो। अब हम आ गए दूसरे डॉक्टर के, जहाँ इसे दिखाना सिर का दर्द इसके, आँख तो बिल्कुल इसकी फिट हो रहा है। डॉक्टर ने पर्चे में लिखा चिंकी बालिका वधु देखना बंद करना पड़ेगा, परहेज बताया बालिका वधु का। सही जगह है चिंकी, सारी प्रॉब्लम बताना सर को है। परसों एकदम से यहाँ पर पीछे दर्द हुआ, और उसके 2-3 मिनट बाद मेरे यहाँ पर बहुत तेज दर्द हुआ। जैसे मैम ने कहा कि इसको नीचे ले जाओ मेडिकल रूम में, तो जब ही मैं स्टेयर्स पे गिर गई और मुझे चेक करा गया, तब से मैं बहुत तेज सर में दर्द हुआ। चलो स्टेयर उतर रही थी तो आपको साथ नहीं पकड़ा, मैं आपको बोला रहा हूँ दर्द मेरे से भी चेक करा, उसमें भी एकदम नॉर्मल रहा, उल्टी आने को मन करते आ भी जाती नींद क्यों क्या कौन सी क्लास में पढ़ाई का क्या हाल है, पढ़ने में कोई दिक्कत आती है, बोर्ड को पढ़ने में कोई दिक्कत आती है? और दूसरे नंबर में वो दादी साहब ने कोठी में बंद रखी है उसको, उसकी टेंशन सो रही है कि वो कोठी में बंद है, बता रहे थे ना थे नहीं। अभी डॉक्टर साहब ने बोला दूसरे हॉस्पिटल में होगी इसकी ईईजी। चलो जी देखते हैं उसकी रिपोर्ट्स क्या आएगी। वैसे नॉर्मल बात करती रहे सबसे, डॉक्टर साहब के साथ में भी एकदम इसने नॉर्मल बात करी, और आंखों में इसके पानी चल रहा था उस टाइम भी। नू कह रही क्या कहूँ मैं, मुझे देख ले मुझे कुछ खुआ नहीं रही, डॉक्टर साहब को भी नू कह रही मैं कुछ खुआ नहीं रही मुझे। शिकायत और लगाई मुझे कुछ खुआया नहीं सुबह से, क्योंकि एक जांच होनी बस उसके बाद हाँ, कुछ ही खा लिए। अब इसे लेके चलते हैं दूसरे हॉस्पिटल में जहाँ इसकी ये टेस्ट होगा, और तुरंत ही फिर इसका ट्रीटमेंट जो है वो शुरू हो जाएगा। क्या ऐसे प्रॉब्लम चल रही, नसों में है, माइंड में है, क्या दिक्कतें हैं इसकी
अभी ईज कराने के लिए हम आ गए आनंद हॉस्पिटल में, तो यहाँ का होगा ये चिंकी का एक टेस्ट, तब जाके पता चलेगा। अभी इसके पापा जो है इसका नंबर ले पा रहे हैं, इसका नाम वैसे वाणी है इसमें। ये देखो चिंकी कैसी हो गई। चल देख तू सबसे बढ़िया चीज़ अमरूद खा, नमक लगवा के, भूख लग रही चिंकी को, और ले लो। की भाई ईईजी को रिपोर्ट हो है, ब्रेन तो सिर की वो होनी थी और इसके बाल वॉश करने थे, तो देखो ब्यूटी पार्लर में भी लाना पड़ा ऐसे ही हॉस्पिटल के बगल में। तो बालों में तेल था इसके और डॉक्टर ने बताया था कि भाई तेल में नहीं होने की, रिपोर्ट सही नहीं आने की, इसका तेल निकाल के लाओ और इसका सर जो है बालों से ही सुखाना पड़ेगा, तब जाके इसकी जाँच होगी। आनंद हॉस्पिटल मुजफ्फरनगर में से बोला और यहीं पर आया हम आस पास ही, हमें मिल गया था नज़दीक ही, निकल लेते हैं हम। चलो भाई कहीं ना कहीं मिलेगा ब्यूटी पार्लर। पहले तो डर रही थी अपना टेस्ट करो, हाँ यही है। और अभी से कुछ खिलावे पिलावेंगे क्योंकि सुबह से इसने एक कप चाय और दो बिस्किट खाए थे, भूख लग रही। बीच में से अमरूद भी खाया हमने लेकिन इसने वो ज्यादा नहीं खाया। भाई मार्केट में कितनी भीड़ है और सारी लेडीज लेडीज ही है क्योंकि अभी दिवाली करवा चौथ ये सब आ रहा ना। आज मैं आगे बैठ गई, क्यों बैठी, क्या कारण है ये मैं आपको बताऊंगी। आज मैं ना थोड़ी देर आगे बैठ गई थी जब पापा मौसा जी के साथ थे, तो जब भी मुझे मजा आ गया मम्मी ने कहा चल इसे आगे बैठ जाऊंगा, नहीं मैं कभी बैठती नहीं यहाँ पे, ये तो डिग्गी में बैठू ये तो आज यहाँ पे बैठ गई। आज सबसे पहली सीट पर आया मेरा नंबर, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, आज मुझे इतनी खुशी हो रही है बस क्या बताऊँ आपको, बहुत खुशी हो रही है। आज मैं सबसे आगे बैठ